राजस्थान के बारां कवाई सालपुरा में आगामी भारतीय हिंदू नव वर्ष को लेकर बैठक आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू सनातन धर्म जनजागृति संस्था के प्रदेश प्रवक्ता कन्हैयालाल गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च को सनातन धर्म जनजागृति संस्था द्वारा भारतीय हिंदू नव वर्ष का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर कवाई कस्बे के प्रमुख मार्गों को हिंदू नव वर्ष की झांकी और बैनरों से भगवामय कर दिया गया है। बैठक का आयोजन आनंद गालव आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर आनंद गालव सनातन धर्म जनजागृति संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म जनजागृति संस्था द्वारा कवाई में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नववर्ष की तैयारी को लेकर बताया कि पुलिस थाने के पास हनुमान जी के मंदिर से नववर्ष का 1 बजे जुलूस निकाला जाएगा, जिसे घोड़ी बैंड बाजा झांकियां और कीर्तन मंडलियां और भजन मंडली और मातृ शक्ति द्वारा भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नववर्ष का जुलूस पुलिस थाने के पास हनुमान जी के मंदिर से रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सालपुरा से होते हुए सीधे कवाई के प्रमुख मार्गों से होते हुए तेजाजी के चौक पर पहुंचेगा, जहां झांकियों की आरती उतारी जाएगी और कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस दौरान बैठक में सनातन धर्म जनजागृति संस्था के जिला अध्यक्ष पवन जोशी, प्रदेश प्रवक्ता कन्हैयालाल गोस्वामी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद गालव, अशोक चौरसिया, तहसील अध्यक्ष सतीश मेहता, जिला मंत्री टीकाराम वैष्णव, महामंत्री और विष्णु गालव आदि मौजूद रहे। जुटे हुए हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगा, इसलिए कल थाने बैठक भी हुई थी इसमें, और 1 बजे थाने के पीछे से निकलेगा और मेन बाज़ार होता है, कोली मोहल्ले माली मोहल्ला होता है, सब्जी मंडी मार्केट और तेजा जी जो चौक है उसमें समापन होगा। हनुमान जी तो भाई साहब का कहना है कि पुलिस थाने के पीछे से जुलूस रवाना होगा, जिसमें माताएं, बहनें, युवा वृद्ध, बटुक बालक बालिकाएं, पुरुष घोड़ी बैंड बाजू के साथ में ये वहाँ से जुलूस रवाना होगा और कवाई के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जो इसका समापन है तेजाजी के चौक में होगा। तो समापन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम होंगे, तो भाई साहब समापन जिस समय होगा तो वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आए होंगे, और भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या भजन भजन संध्या होगी, भजन वगैरह होंगे, और जो जहाँ की आरती चल रही है उनकी वहाँ पर आरती वगैरह का कार्यक्रम है, सुंदरकांड का प्रोग्राम भी है, और जो भी होगा वो विचार करके रहेंगे और उसको भव्य से भव्य रूप देने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह श्रेय, आप पहले मेरे साथ टीवी भारती न्यूज। आज हमें कवाई में और कवाई को जो यहाँ के जो हिंदू संगठन है, जो सनातन धर्म के जो यहाँ के कार्यकर्ता है, इन्होंने कवाई को जो भारतीय हिंदू नववर्ष 22 तारीख को आ रहा है उसके लिए इन्होंने पूरी कवाई को भगवामय कर दिया है और कवाई को इन्होंने एक भगवा में नई दुल्हन की तरह इन्होंने सजाया है। हम इनसे आज जानना चाहते हैं कि आगामी इनकी क्या क्या तैयारियां हैं और अब तक इन्होंने क्या क्या किया। जी भाई सर, आप जानकारी दीजिए कि जो कवाई में आपने भगवा मई किया है और आगे की क्या योजना है आपकी। हम सभी सनातन धर्म के जो भी कार्यकर्ता हैं सारे अपने तन मन धन से लग रहे हैं और बहुत उत्साहपूर्वक तैयारियां कर रहे हैं, और कवाई में बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, उसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी कवाई को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और भगवा झंडे लगा करके घर घर जा करके पीले चावल और अपने ये पत्रक दे रहे हैं कार्यकर्ता घर घर के जाकर, और उसमें अपनी टीम जो सनातन धर्म की है वो भी लगी हुई है, इसके साथ ही जो जितने भी हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, भारत विकास परिषद जो भी है, सभी संगठन लगे हुए हैं और तन मन धन से अपना पूरा सहयोग करके और इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा करके काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का मेहनत रंग लाएगी। 22 तारीख को ये नवरात्रा अपने हिंदू नववर्ष है, उसके उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और हम सनातन धर्म के सारे पदाधिकारी आज एक विशेष बैठक करके और एक झांकी बनाने का वो करेंगे प्रयास, और इस शोभा यात्रा में 7-8 करीबन झांकियाँ चलेगी और घोड़ घुड़सवार रहेंगे 11 करीबन, और भी कई तरह की मतलब शोभा यात्रा में सभी सम्मिलित होंगे, और अपना मैं कन्हैयालाल गोस्वामी और प्रदेश प्रवक्ता सनातन धर्म संस्था राजस्थान।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।